लखीसराय जिले के हलसी थाना क्षेत्र अंतर्गत कैंदी गांव में किसी मामूली बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जहां दोनों ओर से धक्का मुक्की होने लगी, जिसमें दोनों पक्ष मिलाकर लगभग 10 लोग घायल हो गए, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हलसी इलाज हेतु लाया गया। बता दें कि घायल एक पक्ष से गणेश वर्मा के पुत्र शिबू वर्मा, उम्र 52 वर्ष, रामबचन साहा के पुत्री पूनम वर्मा, उम्र 27, शिबू वर्मा की पुत्री श्वेता वर्मा, उम्र 16 वर्ष, शिबू वर्मा की पत्नी रेणु देवी, उम्र 45 वर्ष तथा कृष्ण नंदन वर्मा की पत्नी शांति देवी, उम्र 50 वर्ष शामिल हैं। वहीं दूसरे पक्ष से घायलों में प्रहलाद वर्मा की पत्नी रेशमी देवी, श्री साहब की पुत्री राजो देवी, पुत्र प्रहलाद वर्मा, ललन वर्मा तथा बबलू वर्मा शामिल हैं, जिसका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हलसी में इलाज किया गया। वहीं घटना की जानकारी देते हुए हलसी थाना प्रभारी राहुल कुमार ने बताया कि आवेदन आने के उपरांत जांच करते हुए कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम बबलू वर्मा। कौन कौन मारा है? शिबू वर्मा, रेणु देवी, कृष्ण वर्मा, उसका सभी पत्नी, शिबू वर्मा की बेटी, सब मिल के मारा। कौन कौन घायल है आप लोग? घायल है सब है। मेरा भाभी को जो है माथा का पार फोड़ दिया, लोटे लोटे मार लोटा, कभी पत्थर लेके हम मतलब असमर्थ आदमी पूरा कुल मिल के मारने लगे। क्या नाम है आपका? बबलू वर्मा। घर? कैंदी। कौन लोग था जो मारपीट कर रहे थे? बबलू साहब का घर वाली झगड़ा भरे से हमेशा जा रही है, कुमार निकलने और मारे लग गए। क्या कारण था विवाद का जो मारपीट कर रहे? विवाद है उनसे, हमारे घर में हेल के हमारे लड़की साथ में छेड़खानी करे बबलू साहब जो होते वह पकड़े ले ओकरे लिए मारे मिट्टी करे लग गए। पकड़ा गया और उल्टा मारपीट कर रहे? हाँ, उल्टा कुल मिल के तैयार रहे, हमारा सबके पते न ले कि सब ऐसे ऐसे करते। हमरा सब कुमार जी प्लान बने ले जा रहे हैं, देखो कुल नहा फिस के तैयार होकर गाड़ी उड़ी कैले रह गए। किनको किनको मारपीट किया? किनके किनके साथ? तीनों में तू को बेटी है कौन, एगो हमारे मालिक, एगो हमारे को बेटी। सबके साथ मारपीट किया? हाँ सबके। कितना लोग था जो मारपीट कर रहा था? 5-6 आदमी सब है। सब मिल के मारा? हाँ सब मिल के मारा। क्या नाम हुआ आपका? घर? कैंदी। विवाद हुआ, मेरी माँ को जो है ना गाड़ी उड़ी देती थी सिंघाड़ा बनाती, और बिना मतलब का कसूर के, बिना एन कसूर के गाड़ी गलम करती सब पूरा परिवार उसका, और हम सब 10 दिन से गाड़ी आ रही थी पूरा परिवार, उसका बाप शिबू वर्मा भी और उसका पत्नी रेणु देवी और उसका बेटी सब पूनम देवी जो है। आज क्या हुआ? आज हुआ लड़ाई, बर्दाश्त से फाजिल हो गया तो लड़ने लगे, और बोले मार के तो वो गर्दसबा छोड़ा, बोले मारिए जितना मारना है मारिए, अभी देख लेते हैं आपको। मेरा झूठ फूस के मतलब एग्जाम लगा के फालतू में फंसा रहा हमको, और पैसा मांगता है 50,000, एक बार दिए थे फिर भी अभी फिर लड़ाई करके बदमाशी कर रहा है मेरे साथ में। गरीब आदमी है, हम सब कहाँ से देंगे पैसा, बदमाशी करता है। क्या नाम? हमारा नाम शिवू वर्मा। घर? केंद्र। पहले इससे था, हमारे घर में घुस गया था, हमारी बच्ची के साथ गलत व्यवहार किया, कपड़ा फाड़ दिया, फिर हम लोग थाना गए, फिर महिला थाना गए, महिला थाना में सब हो गया, फिर राजेश मुखिया थे गाँव के ग्रामीण सब बोले कि मेल मिलाप करा, फिर हम लोग सबका ग्रामीण का बात मानकर मेल मिलाप किए। फिर 2-3 महीना के बाद फिर आज सुबह 5 हम लोग जा रहे थे कुमार महारानी स्थान पूजा करने के लिए, तो सोच रहा था रात ही से लोग घूम रहा था कब निकलेगा कब क्या करेगा नहीं। ठीक सुबह 5 बजे ये छत से कूद कर नीचे आया, हमारी बच्ची का बदनी किया, पकड़ा गया, हम लोग मारने लगे पकड़ने लगे, फिर तीनों भाई मिलकर इसकी पत्नी भी ये भी सब मिलकर हमें और हमारे परिवार को सबको मारपीट किया। कौन लोग थे जो मारपीट किया? बबलू साहब, ललन साहब, प्रहलाद साहब, उसकी तीनों पत्नी, उसकी माँ रजिया देवी, सारे सब उसके परिवार, हम अकेले थे, हम परिवार और हम लास्ट में छुड़ाने के लिए जी। किनको किनको कौन कौन घायल है? किनको किनको? हमें, हमारी पत्नी, हमारी दो बच्ची, सबके साथ और एक भाभी, सबके साथ मारपीट की, सबकी, इनका सर, भाभी का सर कटा हुआ है, हमारी
घरवाली का यहाँ फटा हुआ है, खुला हुआ भी है। हमारी बड़ी बच्ची का केस उखाड़ दिया, नोच दिया और पिटाई भी किया, हमारी छोटी बच्ची को भी पिटाई किया। इससे पहले थाना को जानकारी दिए थे जब घटना? थाना को जानकारी दिए थे लेकिन कोई कार्रवाई उस समय नहीं हुआ था, कोई कार्रवाई नहीं। तो हम चले गए थे महिला थाना, महिला थाना में कार्रवाई भी किया गया लेकिन सबों की बात मानकर मेल मिलाप किया गया। हम अपना पति को ले जा रहे थे घर पकड़ के, बोले नहीं लड़की काहे ले झूठो कर रहे हैं इतना अथी हंगामा और अथी बोलने दीजिए, गला गाली रातें से दे रहा है, हम रातें भी बड़ा अथी बोले छोड़ दीजिए, गाली गाली सुनने से अथी बढ़ाने से थोड़े कुछ बिगड़ गए, और बोले छोड़ दीजिए और अति छोड़ दिए नहीं कुछ बोले, और वही खुद रात में खड़ी होकर के दरवाजे के सामने, मेरा घर में जवान लड़की है मेरा दरवाजा के सामने देखता है खड़ी होकर के। कौन? वही। क्या नाम है जो देखता है? वही देखता है, मेरा घर में जवान बच्ची है, अब अथी पर्दा लगा दिए तो पर भी खड़ी बैठ के पहले देखता था, अब खड़ी होकर देखते हैं, और अथी रात गाली गलौज किया झूठ के कि मेरा सिंघाड़ा पर अथी मेरा सास सिंह समोसा बेचता है और केक ला के रखा है, तो उस पर मच्छी बढ़ गया था तो झंझरा से ऐसे ऐसे दुला रहा था, तो बोलता है कि मेरा मार रहा है, मेरा मारने के लिए धिराता है, मेरा चाकू देखा आता है, ऐसे बोलता है। आज क्या हुआ? आज सुबह में जब निकल रहे थे हम सब घर में थे, तो ये सब अपना बात घर में कर रहे थे, और वो निकल के कहता है कि तोरा बता दे बाबू तोरा सी अथी खून हो गलो ज्यादा देहा में, तोरा देखी हल अथी रोडवा पर ऐसे करके कर बोल मी मार करके दबो अथी कर, ये मेरा देवर जो बोले कि मारना है तो मारो, हम सामने आ जाते हैं, मारो यहीं पर मारो, अब स्कूल वाले बच्चे कोई चप्पल लेके कोई लोटा लेके कोई गमला लेके ऐसे मारने लगा सब दौड़ गए। हाँ, आज जब हम अपने पति को पकड़ कर ले गए, हम लटक गए कि नहीं ऐसे करिए, उसका बेटी हमारे दरवाजा पर हम घर घुसा के खड़ी हुए, बस बेटी उसका आइटा चला के मार दिया मेरा माथा उसी में पर। हाँ, उसी आइटा फेंक दिया एगो देवर पर एगो मेरा पर, आइटा फेंक दिया उसका मंझली बेटी। क्या नाम है आपका? सुधा कुमार, मेरा नाम रेशमी। घर? घर का इंद्री।